सोनभद्र में दो दिन के दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री अर्चना पांडे को आज जिले के व्यापारियों ने खनन चालू कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा और पत्थर खनन जल्द चालू करने के लिए कहा। साथ ही जब कोर्ट के आदेश पत्थर खनन चालू करने के आदेश हैं, तो किस आधार पर जिलाधिकारी ने खनन पर रोक लगा रखी है, इसको लेकर व्यापारियों ने जिलाधिकारी की शिकायत की। खनन मंत्री ने मामले को गंभीरता से समझते हुए जिलाधिकारी से बात कर जल्द कोई कदम उठाने का आश्वासन दिया। जिले के प्रभारी मंत्री से व्यापारियों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वहीं व्यापारियों का गुस्सा प्रभारी मंत्री के सामने देखने को मिल रहा था। मंत्री जी के सामने व्यापारियों ने अपने गुस्से को जाहिर किया, तब मंत्री महोदय व्यापारियों पर नाराज हो गई। वहीं क्रेशर व्यापारियों में भी भारी नाराजगी देखने को मिली। डीएम किस वजह से बंद किया, उनसे पूछा जाए कि क्यों बंद आप कर रहे हैं, और जो खदान बाधित एरिया है उसको चालू कराने से परमिट लोगों को मिले। आज भी सैकड़ों गाड़ी बगैर परमिट के जा रही, कोई पूछने वाला नहीं है, गाड़ियां बंद कर दी जा रही हैं, व्यापारियों की ऐसी तैसी गाड़ी 3-3 महीने का प्लान सीज कर दिया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पूछा जाए बंद है, डीएम को इतना आदेश है कि डीएम अपने आदेश से सारे खदान व्यापार को बंद कर देगा। हमने कहा क्या नाम है कि खदाने जो बंद है, डीएम जो 5,000 आदिवासी भूखे मर रहे हैं, जो है डीएम इसका देनदार है, डीएम के नाम में अपना मनमानी खदाने बंद कर दे रहा है, प्लांट बंद कर दे रहा है, लोग रोजगार बंद कर दे रहा है आदिवासी। अगर मान लीजिए आप लोग की बात नहीं मानी जाती, आप लोग क्या करेंगे? बात नहीं मानी जाएगी, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, अनशन करेंगे। आज मंत्री जी से क्या आश्वासन मिला आप लोग? मंत्री जी ने कहा मैं डीएम से आज बात करूंगी, जिला मुझे के नाम है, डीएम से ये किसी भी अधिकारी से बात करने का मौका नहीं दिया था। हमने कहा आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्या व्यापारियों को मौका दिया जाएगा? आप डीएम से बैठ के बात कीजिए और प्लांटों को तुरंत खुलवाइए। अगर प्लांट नहीं खुलते हैं और ये काम नहीं होता है तो हम आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और प्लांट खुलवा के रहेंगे। था आप लोग हमारे क्रेशर एसोसिएशन के काफी व्यवसायी बंधु माननीय महोदय प्रभारी मंत्री अर्चना पांडे जी से मुलाकात करके अपना प्रत्यावेदन उनको हम लोगों ने दिया है। कभी पोल्यूशन विभाग, कभी खान विभाग, कभी जिला प्रशासन, किन्हीं किन्हीं कारणों से 45 वर्षों से चला आ रहा उद्योग को आज मरणसाय की स्थिति में एकदम बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, बंद कर दिया गया है। काफी यहाँ पे राजस्व की भी क्षति हो रही है। सोनभद्र जनपद आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, सारे व्यवसायी यहाँ से पलायन हो रहे हैं, रोजगार के काफी दिक्कत आ जाने से यहाँ के मजदूर जो है बिल्कुल यहाँ से चले जा रहे हैं, और नक्सली बाहुल्य क्षेत्र है सोनभद्र जनपद। क्या आपको उम्मीद है इस सरकार से कि आगे कार्रवाई होगी? आप लोग 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है, हम लोग प्रत्यावेदन पे प्रत्यावेदन दे रहे हैं। 30/7/2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने के अध्यक्षता में एक बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें कि 5-6 बिंदु वार पे समस्या का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया था। आज तक उन बिंदुओं पर कोई आश्वासन नहीं दिया गया, नहीं तो कोई नई खनन नीति ला पाएगा।